नमस्ते। क्लाइमेटिक चेंज साल भर चलते ही रहता है। समर में गर्मी बढ़ जाती है, फिर बारिश आती है, तभी वापस गर्मी थोड़ी कम हो जाती है। ठंड के मौसम में हमें मजा तो जरूर आता है, लेकिन हवा बहुत ही ड्राई होने की वजह से थोड़ी तकलीफ भी महसूस होती है। सीजनल चेंजेस की वजह से काफी बार काफी सारे इन्फेक्शन फैलते रहते हैं। गर्मी के मौसम में फूड खराब होने की प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट होने से फूडबोन इन्फेक्शंस जैसे जॉन्डिस, टाइफॉइड, गैस्ट्रोएंट्राइटिस फैलने में बहुत आसानी होती है। हमें खास ख्याल रखना चाहिए कि हम जो खाना बनाते हैं उसे हम रेफ्रिजरेट करके रखें, खुला ना छोड़े। उस पर मक्खियाँ बैठने से और भी इन्फेक्शन फैलने के चांसेस होते हैं। हम जो पानी पीते हैं वो भी ढक के रखें, जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैलने की प्रक्रिया काफ़ी हद तक कम हो जाती है। बारिश के मौसम में लोगों को सर्दी खांसी बहुत आम तौर पर हो जाती है। इसके लिए हम ये एक उपाय कर सकते हैं कि जब हम बहुत भीड़ वाली जगहों पर जाएं, तब अपना मुंह और नाक ढक दें। अगर हमें सर्दी खांसी हो रही हो तो खांसते वक्त या छींकते वक्त भी हम अपना मुंह और नाक ढक के रखें। इसके वजह से अपना इन्फेक्शन किसी और को होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ठंड के मौसम में स्किन काफी बार बहुत ड्राई हो जाती है, इसकी वजह से स्किन के पे क्रैक्स भी पड़ सकते हैं। क्रैक्स बराबर हील ना होने से वो बढ़ जाते हैं और काफी हद तक लोगों को स्किन इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी इन्फेक्शन के सिम्टम्स अपने आप में पाते हैं तो जल्द ही अपने डॉक्टर को संपर्क करें, एंटीबायोटिक्स या और भी दवाइयाँ लेकर इन्फेक्शन का खात्मा करें। लेकिन अंग्रेजी की एक बहुत पॉपुलर कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसका अर्थ ये है कि कोई बीमारी होने से पहले ही उसे रोकना। अगर आप इन सारे इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं तो अपना ख्याल रखिए और अपने सराउंडिंग्स का ख्याल रखिए। हाइजीन और क्लीनलीनेस बहुत ही जरूरी होता है कोई भी बीमारी प्रिवेंट करने में। अगर आप बीमारी प्रिवेंट करते हैं तो बीमारी फैलने का प्रमाण बहुत मात्रा में कम किया जा सकता है। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।